बुनियादी ढांचे की कमी की चुनौतियों के कारण 2019 से 2020 में भारत की विकास दर के अनुमान में कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में बताया कि मजबूत घरेलू खपत और निवेश से 2019 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.0% और 2020 में 7.1% रहने के अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रही थी। संयुक्त राष्ट्र का यह अनुमान इस साल जनवरी में जारी अनुमान से कम है। उस समय यूएन ने 2019 में आर्थिक वृद्धि दर 7.6% रहने की संभावना जताई थी, तो वहीं 2020 में 7.4% रहने की संभावना जताई थी। इससे पहले आरबीआई ने अल नीनो के प्रभाव और वैश्विक चुनौतियों के कारण 2019 से 2020 का विकास दर अनुमान 7.4% से घटाकर 7.2% कर दिया था। यूएन ने चीन की विकास दर 2018 के 6.6% से घटाकर 2019 में 6.3% और 2020 में 6.2% रहने का अनुमान जताया है। वहीं वैश्विक विकास दर 2019 में 2.7% और 2020 में 2.9% रहने का अनुमान है। इस पर चीन अमेरिका ट्रेड वॉर तनाव के अलावा जलवायु परिवर्तन का भी असर दिखेगा।